पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। जम्मू कश्मीर के हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, बैठक में एनएसए चीफ अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गाबा भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने कल अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जम्मू कश्मीर पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। राज्यसभा में कल पेश होगा जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, बीजेपी ने अपने सांसदों को मौजूद रहने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के हालात पर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को घेरा, बोली कहां गई इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। जो हमारे मुल्क के लोग हैं और जो सरकार है उनको ये बताने की कि अगर आप 35 से या 370 के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसके नतीजे क्या होंगे और कितने खतरनाक होंगे। हमने अपील भी की, हमने मिन्नतें भी की, पर अभी तक बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई एश्योरेंस नहीं आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर नॉट बॉदर्ड कि कोई बात करें, कोई लबकुशाई हो, कोई मुंह खोल के बताएं कि भाई कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। घाटी की हलचल पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले आजादी के बाद से जिसका इंतजार था अब होने वाला है। घाटी के तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने किराए में की कमी, पर्यटकों को मिलेगी काफी राहत, पर्यटकों को कल शाम तक कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी। 10 अगस्त को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, बैठक में नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका के नाम का रखा प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति के सामने छलका सीएम नीतीश का दर्द, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। चांदनी चौक से आप विधायक अलका लांबा पार्टी से दे सकती हैं इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। उन्नाव दुष्कर्म कांड में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, विधायक सेंगर के 17 ठिकानों पर छापेमारी, कल आरोपी से तकरीबन 6 घंटे तक की थी पूछताछ। फ्रेंडशिप डे पर इसराइल ने ट्वीट किया पीएम मोदी नेतन्याहू का वीडियो, पीएम मोदी ने हिब्रू में दिया धन्यवाद। भारी बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार, ट्रेनों की आवाजाही रुकी, कई उड़ानें रद्द, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। फिल्म छिछोरे का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, ताहिर राज भसीन, प्रतीक बब्बर आएंगे नजर। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।